रोज़ा छोड़ दिया तो सिर्फ कज़ा है या कफ़ारा है अगर कोई शख्स जान बूझ कर रोज़ा ना रखे तो कज़ा करेगा या कफ़ारा भी देगा देखें कफ़ारा होता है रोज़ा तोड़ने की सूरत में छोड़ने की सूरत में नहीं होता अगर आपने रमज़ान का रोज़ा तोड़ दिया बीवी से हम बिस्तरी करके तोड़ दिया हम बिस्तरी का मतलब ये कि इंटरकोर्स किया तो बेशक यानी सिर्फ इंटरकोर्स करने से ही रोजे दोनों पर कफारा लाजिम आ जाता है अगर औरत का रोजा था और वो राजी थी इस अमल पर तो उस पर भी और शोहर पर भी और या खा पी के रोजा तोड़ दिया किसी ने तो इन दोनों सूरतों में साठ रोजों का कफारा लाजिम है और रोजा तोड़ने से मतलब रमजान का रोजा साठ रोजे लगातार रखने पड़ेंगे एक रोजे कभी दरमियान में नागाह हो गया चाहे बीमारी की वजह से हुआ हो तो नए सिरे से दोबारा रखने पड़ेंगे अलबत् खवत को अगर दरमियान में मैंसिस आ गए तो वो दिन खारिज हैं उससे जैसे ही मैनस ख़त्म होंगे दोबारा कंटिन्यू कर लें तो इस तरह से स्टार्ट कंटिन्यू करें वो तो ये ज़रूरी है ये बहुत बड़ा जुर्म है गुना है रमज़ान का रोज़ा तोड़ देना और छोड़ देना भी बहुत बड़ा जुर्म है बहुत बड़ा गुना है लेकिन छोड़ने का कफ़ारा नहीं है बाद में एक रोज़े की ख़ा है बस